गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम पे फ्री बॉडी डायग्राम रो सेकंड लेक्चर पढ़ा। या पूर्व क्लास मैंने कौन पढ़ते फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट बेसिक डायग्राम देखते तार रिलेटेड आज किसी क्वेश्चन करवा जनरल जिनस कह जोटा तुम्हें ट्राए करजे घर रही तो सल्व करने कही बहुत इम्पोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दे चाहछ बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक जिनस को ध्यान सहित बुझाक चेष्टा कर। तो लेट्स स्टार्ट। ता सहित पूर्व जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करन चैनल को सब्सक्राइब करने सहित निज सांग सहित को शेयर कर और लाइक कर। इट रियली मोटिवेट्स फॉर अस। लेट्स स्टार्ट। फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ुले तो आउ थे कहीदी फ्री बॉडी डायग्राम में आम पढ़ुले जस्ट सिंपल जिनस पढ़ुले जे केमी फ्री बॉडी डायग्राम ड्र करवा। तो प्रथम बॉडी को फ्री करतेक फोर्स आक्ट करूँगी रिप्रेजेंट करने को फ्री बॉडी डायग्राम कह जाए। प्रथम देखा ब्लॉक उपर ब्लॉक को रखा जा तार मुझे ड्र करी फ्री भी आउ थे रिवाइज करदे पे जान थो। तो फास्ट सपोज दीटा ब्लॉक अच्छी this is a block and one more block this is m1 and this is m2 so suppose this is suppose 2 kg this is 4 kg so calculate gote question likha calculate the contact force between 2 kg and 4 kg 2 kg and 4 kg and also between kaaka bitare 4 kg on our surface 4 kg and earth eta earth surface eta earth upare rest kara hechi bodh jabo। तो आर्थ आउ 4 केजी भीतर केते कांटेक्ट फोर्स अछि 2 आउ 4 केजी भीतर केते कांटेक्ट फोर्स अछि इजीली देखो एटा देखु जणा पड़ि जाउ छी आराम से जी हला 10 जान जे समस्त 0 वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड अज्यूम करि करियो। तो इजीली देखो एटा 20 हे जइबो एटा 60 हे जइबो माने देखु जान पर छी बहुत ऑबवियस बात ऐसे देखने से ही पता चला ये होगा 20 केजी इसमें कितना फोर्स लगेगा 60 केजी बहुत सहज पे देख नॉर्मल रिएक्शन ड्र कर प्रथम 2 केजी रो बाहर कर तो 2 केजी सो 2 केजी रो फ्री बॉडी डायग्राम कर तर को एमजी दैट इज 20 एमजी माने 20 न्यूटन तर को 20 न्यूटन एमजी मास इनटू ग्रेविटी एमजी तो तर को 2 इनटू जी जी रो वैल्यू 10 सो 20 न्यूटन सेमती ये तापरे फोर्स दब कि 4 के दिया पर फोर्स दब ये तौल को जति की फोर्स दउ छी ये भी तापरे से ठीक दउ छी स्टार रिएक्शन फोर्स तो एटा ला एम तुम पूर्व क्लास रे कहै थेला जे ये जदी तौल को एन रे पुश करू छी ये जदी तौल को एन फोर्स रे पुश करू छी ये भी ऊपर को से ठीक रे पुश करबो जे तंदा कांटेक्ट रे अछंती तो ये आपरे जउ छी सपोज केते ये 8 सब से ठीक फोर्स हो छी 20 तो ये आपरे सब तो एन ता का से तो समान तो एन इक्वल्स केते होला 20 तंते आठ आठ सब पे सही दिखा गो ए सब पे सीधे कितने हो चुके 4 आउ आठ सब पे सीधे तो यार ऐसे भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो कहाँ रख 4 के जीरो तो 4 के जीरो ड्रॉ करेगा 4 पाई प्रथम है तौल पास लाए एमजी यार तौल पास लाए एमजी तब रावण को सही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एटी जो कोई थी ये 4 के जी ऊपर है जितनी 2 के जी ऊपर है जितनी फोर्स दो जी 2 भी ताप से जितनी फोर्स दो थी ना ताको एक्शन रिएक्शन फोर्स कहा जाए तो तौल को से जितनी फोर्स दो थी तो तौल को से जितनी फोर्स दो थी एन अमाउंट रो ता से तो पृथ्वी पृष्ठ ऊपर से जितनी फोर्स दो थी एटा ला n1 सपोज थीला एटा सपोज n2 और एटा को n नै छ त एटा n1 नै जाओ तो पृथ्वी सरफेस केते फोर्स दबो पृथ्वी सरफेस ऊपर फोर्स देला n1 दीटा का ब्लॉक अच्छे ना ब्लॉक 4 के जीटा आर सरफेस रे फोर्स दउची आर सरफेस भी रिएक्शन फोर्स दउता परे
तो ये ऊपरको पोस्ट कर जेडा 800 पेस पर तीनटा ब्लॉग अछंदी तो दीटा का ब्लॉग जति पोस्ट दसंती ये तापर सेति पोस्ट दउ छी ऊपरको तो एटाला एन1 तो एन1 टा का से समान हो ऊपर फोर्स इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स तो एन1 इक्वल्स टू पूर्व क्लास रे कहैतला mg प्लस n तो n रो वैल्यू अछि 20 तो डायरेक्ट लिखु छी 20 प्लस mg m ला केते 4 4 * 10 माने 40 दैट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 60 न्यूटन और यू कैन से m1 प्लस m2 * g m1 प्लस m2 * g आ पूर्व क्लास रे फार्मूला लिखा हितला m1 ला 2 4 6 * g ला 10 60 न्यूटन तो पिल्ला माने आहुर उठे सहज होय अछि सिंपल वे रे केमती कैलकुलेशन कर परिबो कोन करिबो ना गोट सिस्टम मानि जो ए टोटल ला गोट सिस्टम नै जाओ एटा गोट टोटल को सिस्टम नै जाओ तो टोटल मास केते गला 2 4 6 ये टोटल आ सरफेस रे अछंदी ए टोटल मास ता आ सरफेस अछि तो ए टोटल मास जति की फोर्स दबो का पर आ सरफेस उपरे आ सरफेस से ती फोर्स दउ थिबो तो टोटल डायरेक्ट इक्वल को दो 2 प्लस 4 6 तो 6 * g माने 10 60 न्यूटन बहुत सहज टोटल तमे सिस्टम भी मानि परिबो तीनटा ब्लॉक कथे देखिया नाउ 3 ब्लॉक लेट अस कंसीडर 3 ब्लॉक सिस्टम तीनटा ब्लॉक अछि तीनटा ब्लॉक मु m1 m2 ने करछि तमने इजीली देखो बहुत सहज रे बाहर करबो तीनटा ब्लॉक अछि एटा गोटे ब्लॉक अछि तापरे आ गोटे ब्लॉक अछि तापरे आ गोटे ब्लॉक अछि एटा ला m1 m2 m3 कांटेक्ट फोर्स बाहर करो समान जिंछ कांटेक्ट फोर्स बाहर करो बिटवीन m1 m2 m2 एंड m3 आल्सो ऑन द आर सरफेस आथरो केते रिएक्शन फोर्स आसी कैलकुलेशन करो क्वेश्चन ला लिखो कैलकुलेट द कांटेक्ट फोर्स between m1 m2 m2 m3 and m3 on r surface or between m3 and r surface question ta likhina pratham to sabuthu easiest way dekho free body diagram no kari madhyo sabuthu easiest way re kemiti bahar karibo na dekho amar upar body ta dorkar to upar body re gote hi force hoychi kebal m2 hi force hoychi to gote mass hoychi to direct likhi dabo n1 equals to बिटवीन m1 एंड m2 इते दका त केवल गोटे फोर्स आसीओ त m1 जी हे जीवो तापर का है तर m2 m1 m1 m2 इते बाहर कोला तर m2 m3 इते तो m2 m3 बाहर कोला के जीटा गोटे मास भागनियो m1 m2 को गोटे मास नै जाओ तो m2 आ m3 इते m2 एंड m3 इते केते आसीबो दैट इज n2 n2 इक्वल्स केते हबो एदिका गोटे मास नै जाओ एटा जदि हम गोटे मास नै जीवा तळु बासिबो जी तो ए जी जति ये जो दिटा जति कि दउची ये भी सति कि रिएक्शन फोर्स दउतिबो ए दिटा के जति कि फोर्स आ पर दउसंती ए बटे सति कि रिएक्शन फोर्स दउतिबो तो त डायरेक्ट लिख परबे n2 जोडा होची कि m1 प्लस m2 * g मु डायरेक्ट लिखु जी सति m3 m3 पर केते दउ जी बताना तीनटा गोटे मास नै जो ए तीनटा को गोटे मास अछि उले हमिनो ए तीनटा को गोटे मास तो एटा आ सरफेस रे अछि तो आ सरफेस ताको पर रिएक्शन फोर्स दबो ये टोटल जति की रिएक्शन फोर्स दउतिबे m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास * g ये तीनटा जति की प्रेस दउतिबे तळु से तीन परिमाण रे प्रेस करथिबे तो आ सरफेस से तीन परिमाण रे रिएक्शन फोर्स दउ तो डायरेक्ट लिखि देटा m3 तो m3 इक्वल्स केते आसीबो m1 प्लस m2 प्लस m3 * g एटा ना शॉर्ट रे तो जानि लो ताको फ्री बॉडी डायग्राम करिक मध्ये करि परिबो तो फ्री बॉडी डायग्राम करले सेपरेट करिबो फ्री बॉडी डायग्राम करिक जान परिबो कि मैं डायरेक्ट लिख परिबो एटा ना सरफेस केते दउची जदि तमे फ्री बॉडी डायग्राम करे जों तो m1 रो करो समान जिंस आसीबो m1 तळ को दबो m1 g m2 रिएक्शन दउचे m1 ऊपर ऊपर को दबो n1 n1 m1 g सहित समान फास्टा बतन का का उत्तर करबा m2 रो फ्री बॉडी डायग्राम करो m2 रो जदि फ्री बॉडी डायग्राम करिवो m2 रो तळ को आसीबो प्रथमे m2 g m2 रो तळ को आसीला m2 g तापरे m3 रो रिएक्शन फोर्स दउतिबो m3 रो रिएक्शन फोर्स दउची सेटा को नेति n2 m3 जति की रिएक्शन फोर्स दउची कहां पर m2 पर सेटा ला n2 सेंती m2 पर आगोड फोर्स आसी कोटा ना फास्ट बॉडी टा m2 पर फोर्स दउची तो फास्ट बॉडी रो फोर्स तळ को n1
କାହିଁକିନା ଇଏ ଏମ୍ ଟୁ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଉପରେ ଏନ୍ ୱାନ୍ ଫୋର୍ସ ଦେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ, ଏମିତି ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ଏମିତି ଖାଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ ବୁଝ ନିଜେ କର କ'ଣ କହୁଛି। ତ ଏମ୍ ଏମ୍ ୱାନ୍ଟା ଏମ୍ ଟୁ ଉପରେ କେତେ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛି? ଏନ୍ ୱାନ୍। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଦେଖ ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ଏନ୍ ୱାନ୍ ଦେଇଥିଲା, କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଏମ୍ ଟୁ। ଏମ୍ ଟୁ ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଦେଇଥିଲା ଏମ୍ ୱାନ୍ ଉପରେ, ତ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଅଭିୟସ୍ଲି ତା ଉପରେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ଦେଉଛି ଏନ୍ ୱାନ୍। ତ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ? ଏନ୍ ଟୁ ସହିତ। ତ ଏଇଟା ହବ ଏନ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଟୁ ଜି। ସିମିଲାରଲି ଥାର୍ଡ ବଡି ପାଇଁ ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ କର, ଥାର୍ଡ ବଡିରେ ନିଜେ କର। ଥାର୍ଡ ବଡି ପାଇଁ ସେମିତି ଦେଖ ଏମ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ, ତ ତଳକୁ ଆସିଗଲା ଏମ୍ ଥ୍ରୀ ଜି, ଏମ୍ ଥ୍ରୀ ଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏନ୍ ଟୁ ଦଉଛି, ଏନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଦଉଛି, ଏମ୍ ଟୁ ଉପରେ କିଏ ଫୋର୍ସ ଦଉଛି? ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟା ଅଛି ଏନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ତ ଇଏ ସମାନ ଫୋର୍ସ ତଳକୁ ବି ଥିବ। ଏମ୍ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ଟୁ ଉପରେ ଏନ୍ ଟୁ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୋର୍ସ ଦେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ବି ସେ ସମାନ ଫୋର୍ସ ତଳକୁ ଦବ, ତ ଏଇଟା ହବ ଏମ୍ ଟୁ। ତ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଦଉଛି, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଏନ୍ ଥ୍ରୀ, ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଦଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଏନ୍ ଥ୍ରୀ, ତ ଏନ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହବ? ଏନ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଟୁ, ଏମ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଟୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆନ୍ସର ଆସିବ, କିମ୍ବା ତମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ମାନି ନେବ, ଦୁଇଟା ବଡିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନେଇଗଲେ ଆରାମସେ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଟୁ ବଡି କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଅପ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଭର୍ଟିକାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିନବ। ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ଚାହିଁ କରିପାରିବ, ଫ୍ରି ବଡିରେ କର କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିପାରିବ, ତମକୁ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମାନ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଏମିତି ଅଛି ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ସପୋଜ ଟୁ କେଜି, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ କେଜି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ତମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ସପୋଜ ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି ଟେନ୍ ନ୍ୟୁଟନ, ତ ଏଇ ଟୁ କେଜି ଫୋର୍ କେଜି ଭିତରେ କେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଅଛି ବାହାର କର। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ମୋସନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଲରେସନ କେତେ କାଲକୁଲେସନ କର। ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇଥିଲି, ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟରେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛି। ଆକ୍ସିଲରେସନ ହବ 1 meter per second square, ଆଉ ୟା ୟା ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ କେତେ ହବ? 4 newton। ଦେଖ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, 6 হলে 10, 10/6 ଆକ୍ସିଲରେସନ ହେଲା କେତେ? 10/6 ବା 5/3 ଆକ୍ସିଲରେସନ ହବ, 5/3 ଆକ୍ସିଲରେସନ ହବ, 5/3। ଯଦି ଆମେ ଫୋର୍ସ କଥା ଦେଖିବା 20/3 ନ୍ୟୁଟନ, ଏଇଟା ହେଲା ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ, ସାର୍ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ତମେ କଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯିବ। କେମିତି ହେଲା ଦେଖ ନା, ଆମେ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନେଇଯାଉ, ତ ଟୋଟାଲ ମାସ କେତେ ହେଲା? 6। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାସ ଅଛି ଯୋଉଟାକି 6 kg, ତ ଏପଟେ ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି କେତେ? 10 newton। ତ ଏଇଟା ଯଦି ମୋସନ କରିଛୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ ଏ, ତମେ ଜାଣିଛ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାସ ଇଣ୍ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ, ତ ଫୋର୍ସ ହେଲା 10, ମାସ ହେଲା 6, ତ ଆକ୍ସିଲରେସନ କେତେ ହେଲା? ଆକ୍ସିଲରେସନ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଫୋର୍ସ ବାଇ ମାସ ଟୁ 10/6, ଦାଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 5/3 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର, ଆକ୍ସିଲରେସନ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ହେଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ କାହା ଭିତରେ, 2 ଆଉ 4 ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ କେତେ ଅଛି? ତ 2 ଆଉ 4 ଭିତରେ କେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଆସିବ? ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫୋର୍ସ ଦାଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ ଫୋର୍ କେଜି ଇନ ଫରୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ। ତ ତମେ ଏଠି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ତ ଏଠି ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଟା ଦଉଛ ସେଇ ଫୋର୍ସ ଟା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ, ଇଏ କଣ ୟା ଉପରେ ଫୋର୍ସ ଦେଲ, ତ ଏ ଫୋର୍ସ ଟା ଏପଟକୁ ରହିଲା, ତ ୟା ଉପରେ କିଛି ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ କରୁଥିବ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏନ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ଆସିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଆସିଲା, ତ ସେଇ ଫୋର୍ସ ଯୋଗୁଁ ବଡିଟା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଫୋର୍ କେଜିଟା କେମିତି ଯାଉଛି? ତ ଫୋର୍ କେଜି ଇଜ ମୁଭିଂ ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫୋର୍ସ ଟୁ 2 kg, 2 kg ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ତ ୟାର ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ୟା ଉପରେ ପଡୁଛି, ତ ଏଇ ଫୋର୍ସ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ମୋସନ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ଆମେ, ଏଇଟା ତ ହେଲା ଜେନେରାଲ ୱେରେ ତମେ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ୟା ଉପରେ ଫ୍ରି ବଡି, ଫୋର୍ କେଜିର ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ କର। ତ ଫୋର୍ କେଜିର ତଳକୁ ରହିବ ଏମ୍ ଜି, ଉପରକୁ ରହିବ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ଏନ୍, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବେ, ଉପର ତଳ ଫୋର୍ସ କ୍ୟାନସଲ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଉପର ତଳକୁ ଯାଉନି, ଏଇଟା ହୋରାଇଜନ୍ଟାଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୋସନ କରୁଛି, ତ ଉପର ତଳ ଫୋର୍ସ ଡ୍ର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଛି ବଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନସଲ ଇଜ୍ ଅଦର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଠୁ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଇଏ ଆପ୍ରେ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଇଏ ଆପ୍ରେ ଏନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୋର୍ସ ଦେଉଛି, ତ
तो ये आपरे एन अमाउंट रो फोर्स दोची जहां पर की 4 केजीटा मोशन करची 4 केजी मासटा मोशन करची बिकॉज मो पाखे नाही दिटा चक थिला होय त आउटे नाही मो पाखरे त एठी आउटे ब्लॉक अछि एठी आउटे ब्लॉक अछि दीटा ब्लॉक अछि मु ए ब्लॉक को पुश करची दीटा को ब्लॉक साटे टाइम जाउछंती तो मु फर्स्ट ब्लॉक अप्लाई करची तो सीए ता सेकंड ब्लॉक ऊपर फोर्स दोची तो सही कांटेक्ट फोर्स देखो फास्ट बॉडी ना मोशन कर जी कहने दे आर इन कांटेक्ट दीटा जति कांटेक्ट रे रोसंती ता दिजन को भीतर फोर्स ता इक्वल अछि बोली कांटेक्ट रे रोसंती ए दीटा को बॉडी चली से उठा उठे डबा नहीं नरम तुम देखि पर छंती इट थिला के नि जाय छी देखा जाउनी फिर भी जति दीटा बॉडी कांटेक्ट रे सदा मोशन कर छंती ए दीटा को बॉडी जति दीटा को मोशन कर छंती ता माने ये आप जति फोर्स दउची ये ता आप सेति फोर्स दउची बोली दीटा कांटेक्ट रे मोशन कर छंती जति गोटे फोर्स अधिक गोटे फोर्स कम हे गला ताले गोटे पळाई जीव आ गोटे रही जीव अधिक फोर्स हेले दूरै जीव त सेति पय जेहेतु सेही फोर्स ए दिजन भीतर जेति भी फोर्स अछि सेही फोर्स जको आगो बडी टा मोशन करूछि द फर्स्ट बॉडी इज मूविंग बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू फोर्सेस बिटवीन द टू बॉडीज त सेटा को मु एन ने कि एन इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन फार्मूला जान छ यार मास हला 4 केजी आउ एन एठी हमें एन इक्वल्स टू कारण कांटेक्ट फोर्स एन अछि त एन जो कोनी फास्ट बॉडी टा मोशन करूछि तो 4 इनटू एक्सीलरेशन केते आसला 5/3 तदला 20/3 न्यूटन बहुत सहज क्वेश्चन इजीली कैलकुलेशन करि परिबो एमे त क्वेश्चन रे बहुत सहज माने देखो देखो क्वेश्चन आंसर पाइ जो फास्ट बॉडी टा लिखबो कारण या पर फोर्स दलो सी या पर फोर्स दला तो ये या पर जति की फोर्स दोची सी भी या पर जति फोर्स दथो एटा हमें कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेस Listen carefully. Because of that force only, the 4 kg body is moving. So I am considering the motion of 4 kg. The 4 kg brain arm under force करती गला वो तो ना तीन टिके वाला सिस्टम ना करा clear out more doubt. Free body diagram कलर जान पहले वो easily calculation mouth wise calculation मतलब देखो देखो सिर्फ देखो 3 kg तीन टा ब्लॉक करो देखो एटा उटन मास अच्छी तासे तेंती उटन मास अच्छी तासे तेंती उटन अच्छी एटा ला M1 मुझे analyze कर दो ची M2 एटा ला M3 तसे समान को से कर दो छे एफ अमाउंट कैलकुलेशन करो एक्सीलरेशन केते सिस्टम रो फर्स्ट थिंग तापर M1 M2 तरे केते फोर्स M2 M3 तरे केते फोर्स अछि संगे संगे करो स्क्रीन को पॉज करो कैलकुलेशन कर चलो जा सला या देखो एक्सीलरेशन केते आसीबो एरा गोटे सिस्टम मानि दियो तो एक्सीलरेशन कोन हो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय नेट मास M1 plus M2 plus M3 बार कोलाई जी एटा देख लो 2 4 6 कोन ने देखिबो कैलकुलेशन करो कहिबो बहुत सहज रे त माने कैलकुलेशन कर परिबो एबड़ क्वेश्चन देखु देखु सॉल्व करिवार अछि किंतु मु जनरलाइज करके मन रखि जे फार्मूला मन रखले भी कैलकुलेशन कर परिबो एक्सीलरेशन वैल्यू पाइ गलो बत्तान फोर्स बार करो M1 M2 भीतर तापर M2 M3 भीतर तो तमने आ बहुत उड़ाई होय अछि ओरल भी कर परिबो कैलकुलेशन देखि कि किंबा मोटी ओरल बाहर कर दे तो M1 M2 भीतर केते रहबो फोर्स M1 M2 भीतर फोर्स रहबो ए आर भीतर आर भीतर फोर्स हो N1 ने छि त N1 होबो M2 प्लस M3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू L राम देखि न देखि एटा जदि देइथाना 2 4 6 देइथाना मु माने न देखि मते माने डायरेक्ट देखु देखु संगे संगे आंसर बाहर चुटकी रे बहुत सहज त माने एटा प्रैक्टिस कर ले एटा N2 केते आसीबो N2 रो माने या आंसर फोर्स M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू L राम डायरेक्ट फार्मूला देखि छि फ्री बॉडी डायग्राम करि जदि सॉल्व करिवो एति की आंसर आसीबो तो सेटा देख फ्री बॉडी करो कि माने डायरेक्ट जे कांसेप्ट को बुझु छ इजीली कर परिबो केमिति देखो या भीतर फोर्स दरकार तो या फोर्स रे M1 M2 भीतर जो फोर्स अछि या मे रिएक्शन एन नो थियो ये भी एन नो थियो तो एटा को N1 नै छि तो ये भी N1 नो थियो ये भी N1 नो थियो तो सही N1 जो को दीटा को बॉडी मोशन करै छि ए बटा तमे पुश करछ ना ए बॉडी को तमे पुश करछ ए बटा तमे पुश करछ सीए M1 ऊपर फोर्स पड़िला तो M1 या पे किसी फोर्स दबो M2 पे रिएक्शन फोर्स दबो तो एम ए जो M1 जो फोर्स आसला से फोर्स ता जो दीटा को बॉडी ही मोशन करछि काना तमे डा याको तो पुश करू न तमे फोर्स को अप्लाई करछो या पे फोर्स अप्लाई करछो यदि या पे फोर्स अप्लाई करछो ये फोर्स या पे दोची जहां पे कि दीटा को बॉडी जाउछि
तो दीटा एक बड़ी रोमा तुम जान चो फोर्स इक्वल्स टू एन वन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन ऑलरेडी बाहर कर चो देखो एक्सीलरेशन ऑलरेडी बाहर कर चो तो मास कितने दीटा का जो चार्ट टाइम मोशन कर ची तो नेट मास इनटू एक्सीलरेशन सोल्ला को था नेट मास इनटू एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन अलग कुछ भाई मास उठा ऑलरेडी बाहर कर ची चंदो तो ना या इधर देखो या इधर फोर्स देखो तो या इधर फोर्स दरकार तो जितनी भी फोर्स आसीबो सेम फोर्स ने एंट्री को ड्राइव करइबो जहां भी फोर्स आसीबा भितरे m3 को ड्राइव करइबो तो m3 टा को मोशन करूची बिकॉज़ ऑफ दिस कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस और बिटवीन द टू ब्लॉक्स तो सेम फोर्स ने केते दरकार सेम फोर्स हमर जानिबार अछि सो वी कैन कैलकुलेट बाय कंसीडरिंग मास इनटू एक्सीलरेशन दैट मास इज m3 इनटू एक्सीलरेशन वेरी सिंपल तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम कले भी जानिबो बतानु फ्री बॉडी डायग्राम करिक देखो छी आंसर सेति गिनि आसीबो एट लिख देला बतानु फ्री बॉडी डायग्राम करो फर्स्ट बॉडी फर्स्ट बॉडी रो फ्री बॉडी डायग्राम करो तीनटा इक्वेशन आसीबो सॉल्व करो एक्सीलरेशन पाइबो एन1 एन2 रो वैल्यू नीचे कैलकुलेशन करबो चेक करबो किंतु मु फ्री बॉडी डायग्राम ला कर दूची प्रथमे फ्री बॉडी कले भी से समान जिंस आसीबो तुमको बहुत गुडा वे रे कहल जाउची यू लाइक आज यू रुइस ट्रेपोडाइड आला एम1 तेमन उपरे फोर्स दोचो एफ एफ अमाउंट रो फोर्स पडची पुन एपोट गोटे रिएक्शन फोर्स असला एन1 एदिटा कोतेने एन1 त देखो एडा दिटा को अपोजिट अछन तो आ बे इक्वेशन लेखो जेहेतु बॉडीटा मोशन करूची तमे इक्वेशन लिख परिबो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन एटा होची न्यूटन कर नियम एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन एटा सदा मन रखिता तो एफ नेट केते एपोट दोचो फोर्स एफ एपोट गछि एन तो बॉडीटा सपोर्ट को मोशन करूची तो फोर्स क्वाड अधिक अछि सपोर्ट को अधिक अछि तो सपोर्ट को अधिक अछि तो एफ माइनस सपोर्ट को फोर्स ले एन1 नेट फोर्स इक्वल्स टू मास केते एम1 ए एटा इक्वेशन 1 तले सेकंड बॉडी रो फ्री बॉडी डायग्राम करो सेकंड बॉडी रो फ्री बॉडी डायग्राम करो एम2 रो M2 रो देखो M1 आप रे M1 फोर्स तो जी जो M1 आस्तला का जो आस्तला M2 भी M2 आप रे फोर्स तो थला ये भी ताप से ठीक फोर्स तो थियो सेटा हला एपोट का आस्तला एपोट पोट थियो M1 कहाँ जगु because of M1 because of M1 फोर्स इज N1 से दिस एपोट में से ठीक फोर्स आस्त थियो एपोट वाले फोर्स पोट थियो जो डाक कहाँ जे M2 रिएक्शन फोर्स कार M3 रो थियो आप रे यदि टाग भीतर में नहीं ना यदि टाग भीतर एन टू एन टू ये लो पे एन टू ये लो था को एन टू सत्ती पहले कैंसल हो जाए और दिखा कांटेक्ट रोज समझे जब दी ए एन टू डाल दी कोई वाला तो सिर्फ चालीस वर्ष डाक को उठ जीवो दिखा इक्वल अच्छा दो ली आटे टाइम मोशन कर समझे जब दी वट्टे को सादी को कम वाला तल ताका ये दी ये आर वाला उसे चार पड़ जाए जीवो तो ये देखो एक ही तो मैंने एक पहले बॉडी टेस्ट करूं जाओ ची तो एन वन डाल दी कोई तो n1 माइनस n2 नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन n2 इनटू एक्सीलरेशन इक्वेशन नंबर 2 एटा ला सेकंड बॉडी रो फ्री बॉडी डायग्राम एमजी तळ को ऊपर को रिएक्शन फोर्स सेटा हम कंसीडर करने वी आर कंसीडरिंग अलोंग व्हिच डायरेक्शन पर एन डायरेक्शन बता m3 को आसो m3 रे केवल गोटा फोर्स पड़ची an2 n2 जो आसला an2 टा n2 केवल रहिबे पड को n2 जो मुही जाउची एटा हला m3 n2 इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन n2 इक्वल्स टू केतो m3 a m3 a इक्वेशन 3 तो तीनटा इक्वेशन को सॉल्व कर दे एक्सीलरेशन n1 n2 सब जा पाई जो आंसर से ठीक आसीबो तुम डायरेक्टली कांसेप्ट को जदी बुझितिवो दीटा गोटे नै जाओ या पर पोस दउछ ने दीटा काटे टाइम मोशन कोसन तो दीटा गोटे मास नै जाओ सेमिति करि परिबो किमा तो माने एमिति भी कर परियो इको फ्री बॉडी डायग्राम करी कि फ्री बॉडी डायग्राम रे भी कैलकुलेशन करी पारिबो इजीली त आंसर आसी केते एटे देखो n2 रो वैल्यू आसला n2 रो वैल्यू एटे पुट करनियो तापे n1 आसीबो n1 रो वैल्यू बेटे पुट करनियो एक्सीलरेशन पाइजबो एक्सीलरेशन पाइसाला पोरे डायरेक्ट पुट कर दियो एनी नाम पकेले देखो m3 ए एक्सीलरेशन एति गे आसीबो पुट कर देले आसीबोला तापे बाहर कर देले वंस यू गॉट द वैल्यू पुट हियर यू विल गेट द आंसर बहुत सहज आपर ओटे सिंपल क्वेश्चन दउची करिया पई चेष्टा करे इवया समान सिस्टम दउची 2 4 सपोज ले जाओ तीनटा ब्लॉक अछि एडा ला 2 4 द
କାଲକୁଲେସନ କରି ନିଅ, ତମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବ କରିଦିଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ପଜ୍ କରି ନିଅ, ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆସିଲେସନ କେତେ ହବ? 4 2 6 3 9 9 बहुत सहज इजिली कैलकुलेशन करी परिबो। जदि पचरा इंडिविजुअली आप रे केते फोर्स पड़ची, इंडिविजुअली 2 केजी ऊपर केते फोर्स पड़ची, तार तुम जानले एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2 न्यूटन, तो 2 इनटू 2 4, तो ये केते न्यूटन होची? 4 न्यूटन होची। यदि तो इंडिविजुअल फोर्स दे ये 4 न्यूटन होची, ये केते नबो? 8 न्यूटन। ये केते नबो? 3 × 6 टोटल 18 न्यूटन। देखो केमिति आसला एक्सीलरेशन नेला 2 2 इनटू 2 4 2 इनटू 4 8 2 इनटू 3 6 तानी ये 6 न्यूटन फोर्स कंजर्व करची, ये 8 न्यूटन, ये 4 न्यूटन। एटा इंडिविजुअल फोर्स बाय द ब्लॉक, अब बिटवीन द ब्लॉक्स ऑलरेडी कैलकुलेशन कर सकला। बहुत सहज सिंपल मैथमेटिक्स कांसेप्ट को बुझिले इजीली कर परिबो। तो एटा एतिकि थिला तमरो फ्री बॉडी डायग्राम, काहरो ना ब्लॉक रो, इंडिविजुअल ब्लॉक रो फ्री बॉडी डायग्राम। तापर आमे देखबा टेंशन, तापर नेक्स्ट अछि टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम थाउ, तापर नेक्स्ट हला टेंशन। ये सब पाठ पढ़े कि टेंशन लगलानी नहीं रे, टेंशन तक लिखा जाए टी। टेंशन को भी आंचो ना नहीं पढ़चो ना नहीं, अगर कोई इतना टेंशन ये सब पढ़े कि टेंशन लगे ना मुंडा पूरा गोल गोल है ना, किसी देखा जाओ नहीं बुझियो नहीं इम्तिहान कौन है डांस को पाठ हो जी। ये तो किसी ने आधा तो बेसिक ये फिजिक्स रा एबीसी युड़ा को आधे ने मैकेनिक्स रा फ्री बॉडी डायग्राम रा एबीसीडी ये सब पढ़ा हो जी। बहुत सहज बुझा चेष्टा कर, दि तीन थर देख, प्राक्टिस कर, जेपर्यंत निजे न करिछ यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आ फिजिक्स पढ़ जो आने यू शुड हैव दैट मच करेज इन टेस्ट सो दैट माने पढ़िया को भल लागो। सो टेंशन देख, टेंशन कोन ने टेंशन हला कोन ता कोंती तना हिंदी रे कोंती तेटा टेंशन माने हला टेंशन फोर्स। देख एटा टेंशन हो जोटे फोर्स प्लान इट इज ए फोर्स। एटा कोथे आसे? रोप रे आसे किमा स्ट्रिंग रे आसे। स्ट्रिंग माने कोन तुम पढ़ाई थो फोर्स स्टार्टिंग को आइतला कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स समय रे इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। स्ट्रिंग माने रस्सी, रस्सी रे जो फोर्स आसे ता को जे टेंशन फोर्स। तो उठे रस्सी अछि सपोज एरा उठे रस्सी ले जाओ, तो रस्सी रे जो फोर्स आसे एथे जो फोर्स अपीयर करे ता को कहे टेंशनल फोर्स। केते बेले ना एपर जदि तमे एफ फोर्स रे टाउन थिबो एटा उठे रस्सी सपोज एपर को फोर्स एफ रे टाउन छ, तो दीपट जो फोर्स टाउन छ माने किछ फोर्स अप्लाई करू छ ताले रस्सी रे जो फोर्स अपीयर करे ताकु कह जाए टेंशन फोर्स। तो टेंशन इज ए कोन फोर्स, टेंशन माने चिंता जो करिया सेटा न हो, टेंशन हला इज ए फोर्स दैट अपीयर्स इन ए स्ट्रिंग व्हेन इट इज पुल्ड और इन ए स्ट्रिंग अपोजिट टू द पुलिंग फोर्स। यू कैन से आल्सो व्हेन यू आर पुलिंग ए स्ट्रिंग आल्सो, यदि गोटे स्ट्रिंग को आम पुल करवा ताले जो फोर्स अपीयर करे ताकु कह जाए टेंशन फोर्स। तो यहाँ लिखे नहीं था टेंशन कौन इट इज ए फोर्स दैट अपीयर्स बहुत एटा पचरा जाए डेफिन कर दैट अपीयर्स इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है कौन? स्ट्रिंग है रस्सी, आउ स्ट्रिंग पे कंडीशन अच्छे मुझे कहीदे स्ट्रिंग दैट अपीयर्स इन ए स्ट्रिंग व्हेन पुल्ड बाय ए फोर्स। पुल कले ही आसीबो, पुश कले आको जे पुश करबो रस्सी को जदी पुश करबो से किछ होवन नथिंग विल हैपन, तो पुल करे पड़बो। तो पुल करे जो फर्स्ट आतीबो ताको जे स्ट्रिंग फोर्स और ताको जे टेंशन। आ मन रखिताओ स्ट्रिंग हला कोन ना रस्सी, जो रस्सी रे इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल माने ताकु टाणिले टाणि लंबा हो नथिबो, लंबा हे गले सल्ला कथा। आमे एठी से अजम्पशन नउने द स्ट्रिंग आमे जति को फिजिक्स रे पढिबा अजम्पशन नबा स्ट्रिंग ओटा कोन इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल
एक्सटेंसिव माने ताकु टानिले से लंबा हो नथिबो नथि एटा रबर भले जदि आड टर्म थ से सार टर्म थ सल्ला कथा जो हमर देखितो बड़ बड़ जिंस सब उठा जाए रस्सी द्वारा आम जो क्रेन लगी था क्रेन में बड़ बड़ रस्सी जो उठा जाए तार द्वारा भी उठा जाए जिनस को तो सीटा एक्सटेनसबुल होगा सरला कथा तो इनएक्सटेनसबुल लगा दरकार आउटला मासलेस 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 माने स्किन रो मास बहुत कम अच्छे हमें नेग्लेजिबल करिबा आ जदी बा एक्सपैंड होची बहुत स्मॉल अमाउंट रो होची नेग्लेजिबल अमाउंट रो माने कंसीडरेबल नुहो तो एटा ला टेंशन विषय जान लो टेंशन हो जोटे पुलिंग फोर्स सदा मन रखे पाओ आ एटा सदा अपोजिट डायरेक्शन रे आग परे कहार ना जोटे कनेक्टेड थिबो जो जगह कनेक्टेड थिबो तार अपोजिट डायरेक्शन एटा आग करे सपोज सिंपल एग्जांपल हम स्टार्ट करली सपोज जोटे ब्लॉक अछि ताकु कौन कला ना कि गोटे लोकटे अच्छे लोकटे सपोज ताकु टाणी की नौ सपोज गोटे लोकटे धरला धरिकी सपोज से टाणी नौ सपोज सी टाणी की नौ लोकटे टाणी की सारे नहीं जाऊँच ना है भल नहीं ट्राए कर सपोज ये टाणी से ये सारे टाणी नहीं स्ट्रिंग को तो ये फोर्स एफ अप्लाई कर यदि एफ फोर्स अप्लाई करछि त सेही फोर्स टा स्ट्रिंग रे अपीयर करिवो एथि कोन थाय सब मॉलिक्यूल गुडा थायदि यदि स्ट्रिंग टा इनएक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल माने यदि लंबा होनी बुझिया चेष्टा करो यदि लंबा होनी एटा बहुत सिंपल जिंस के कोहंति नै त माने खाली जानि थाओ जे ए फोर्स रे अप्लाई करछ ए फोर्स टा भी ए मॉलिक्यूल ऊपर पडछि तो से मॉलिक्यूलर फोर्स ता भी आपरे करूची ये ता आपरे फोर्स दोची से भी ता आपरे फोर्स दोची से भी ता आपरे फोर्स दोची तो से सब परस्पर को टाउन संती तो फाइनली जतले या से ते अटैच हो जाइथिबो तो से फोर्स ता एठी अप्लाई होत ये डायरेक्शन में पुश करथियो तो एठी जो फोर्स आपला एटा भी से एफ समान एफ एठी अप्लाई करियो एठी भी अपीयर करिवो जदि एटा एक्सटेंसिबल हे गला समान फोर्स आसीबो नाही ये अटा लेटर तो लंबा हे जाइथिबो तो मॉलिक्यूल उडा समान फोर्स दे परिबे नाही तो से इनएक्सटेनसबुल नहींचे तो ये जो फोर्स आसला से फोर्स को कहाँ सहित इक्वाल कले टेनसन सहित तो ये जो फोर्स आसला टेन स्ट्रिंग टेनसन टी द्वारा डिनोट कर सदा मन रखता है बड़ी जो कनेक्टेड थी तर अपोजिट डायरेक्शन नब अपोजिट डायरेक्शन ड्र करद टेनसन जो कनेक्शन था सपोज पुली पुली जानते हो समस्ते जो चकी गुड़ा लगे थो कूर पा का देखि सब एन देश लगे ये एटा गोटे कूटे सपोज ये अच्छे ये लगी कू भर में पाई थोड़ी ना चकेट लगे थोड़ा ये बाल्टी पक तरते तो ये कहते पुली तो से पुली में भी पुले में कनेक्टेड अच्छे गोटे स्ट्रिंग एपट को एपट को तो ये कनेक्टेड अच्छे तो तार अपोजिट डायरेक्शन सदा लग जो कनेक्टेड थोड़ा तार अपोजिट डायरेक्शन टेनसन आसो ये गोटे मस अच्छी तो मस र्लक अपोजिट टेनसन आसा जब सपोज ये आ गए मस था गोटे मस था ये तुम टाणु था एठी फोर्स अप्लाई करथु तो एठी फोर्स अप्लाई करछ तो एठी आसीबो टी एठी जो टी आसीबो एठी टी आसीबो से समान टी आसीबो नाही जदी अलगा हे गला स्ट्रिंग जदी अलगा होची ताले समान टेंशन आसीबो ने अलगा अलगा स्ट्रिंग आसो तो सपोज मे एठी एफ फोर्स रे ए ब्लॉक को टानु छी तमे ब्लॉक को टानि नो जे एफ फोर्स रे तो एठी टेंशन टी आसीबो अपोजिट डायरेक्शन रे एठी टेंशन आसीबो अपोजिट डायरेक्शन सो दैट अपोजिट जो टी ना कनेक्शन आसला तार अपोजिट डायरेक्शन रे टेंशन आसीबो तर अपोज कनेक्टेड पॉइंट रे अपोजिट डायरेक्शन आसीबो काई ने एठे तमे तर फोर्स अप्लाई करछो सी भी या पर फोर्स दोथियो तो तार रिएक्शन को से पर पड़थियो ए जो फोर्स तार रिएक्शन एठे मॉलिक्यूल उडा से कनेक्टेड अछंदी त ए मॉलिक्यूल रिएक्शन फोर्स ए पर्टिकुलर पॉइंट रे रिएक्शन फोर्स तार नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऊपर पड़थियो से तापर से पड़ दोथियो तो टेंशन को हमर डायरेक्शन दिया जे सदा अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स यू कैन से आल्सो अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स यू कैन से तो अपोजिट डायरेक्शन आसे एटा नॉर्मल टेंशन रो डिटेल्स तो तार प्रॉपर्टीज बर्तमान आम फ्री बॉडी डायग्राम करिबा टेंशन को नहीं कि बहुत सहज फास्ट स्टार्ट करो सपोज गोटे बॉडी टे अछि ताको झुला दैछि मास एम त टेंशन केमि करिवो तर को तो फोर्स रहबे एम जेटा फिक्स अछि तो तर को फोर्स रहला एम जी त ए पॉइंट रे टेंशन ऊपर को रहबो टी रहबो एठिन कनेक्टेड अछि त यार तर को रहबो टी रहबो अब थ्रू आउट स्ट्रिंग मनकता टेंशन दा कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रिंग द टेंशन इज कांस्टेंट रिमेंबर दैट इज टेंशन इज रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रिंग
खाली डायरेक्शन चेंज हो गोटे ना कांटेक्ट पॉइंट इति खाली होता तो एठी जदी हम इक्वेशन लिखबा बॉडी आदि रेस्ट रहछि ताले बॉडी का देखो एटा तळ को से चाहंतिबो बॉडी का तळ को खसे चाहंतिबो त ताकू टाइम के रखि टेंशन रखि जे एटा जो आसला एटा केम डायरेक्शन पर गेला कारण एठी देखो एठी जो मासटा अछि ये जो मासटा कनेक्टेड छै तळ को से चाहंतिबो ग्रेविटेशनल फोर्स तळ को टाँतिबो किंतु रस्सीटा कोन बचि ना ऊपर को टाइम के रखि जे तो तार तापर टेंशन फोर्स कोड रहछि डाउनवर्ड रहछि तापर इटा अटैच हे छि त अटैच रहय द्वारा इटा कनेक्टेड हे गछि त केन फोर्स ते कर पड़छि डाउनवर्ड टेंशन न कोड से पर्टिकुलर पॉइंट रे डाउनवर्ड डायरेक्शन अछि तळ को हि अछि तळ को हि से फोर्स दउछि ये तळ को फोर्स दउछि जहां पर इटा रिएक्शन अनुसार ऑपोजिट रे एथि काम करछि त इटा नॉर्मल जंक्शन त एथि आर फ्री बॉडी डायग्राम में देबो त टी कॉस टू एमजी लिख पाइबो टेंशन कॉस टू एमजी का संग समान वेट सहित समान तो ये टी रेवल कैलकुलेशन करे पछले टी रेवल जी कैलकुलेशन करी पारिबो एडा ला गोटे बडी कथा सेंती देखिबा दुटा बडी कथा देखिबा सपोज दुटा बडी अछि तो दुटा बडी समान नै जाओ एठी गोटे बडी m1 अछि सपोज आ गोटे बडी अछि m2 ताकि दुटा टेंशन आसी देखो एठी गोटे रस्सी रस्सी अलगा हे गला तो टेंशन अलगा हे जबो मनोकता टेंशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट स्ट्रिंग मनोकता स्ट्रिंग रो किछि कैरेक्टर अछि आमे पर एउटे वीडियो बनेबी स्पेशल सेशन कहि देबी तो एठी टेंशन अलगा आसीबो सपोज एठी टी1 एठी टी2 आसला त एठी अपोजिट डायरेक्शन आसीबो टी1 सेंती एठी अपोजिट डायरेक्शन है टी2 एठी कनेक्टेड अछि टी2 एठी कनेक्टेड अछि टी1 स्ट्रिंग थ्रू आउट स्ट्रिंग कांस्टेंट किंतु जोटी कनेक्शन आसी गला सेठी अपोजिट हे गला माने अलग अलग स्ट्रिंग हला त अलग अलग टेंशन आसीबो त एठु आर अपोजिट डायरेक्शन टेंशन टी2 एठी आर अपोजिट डायरेक्शन टी2 काहे ना एटा तळ फस जाउची त ताकु ऊपर को धरि रखीची ऊपर बडी पर तळ को फस दउची त टी2 समान रहइबो स्ट्रिंग रे थ्रू आउट स्ट्रिंग कांस्टेंट रहइबो त माने देखि पाइबो जदी दुटा लोक दिया डाउन छथि जदि स्ट्रिंग दा छिरुनी इनएक्सटेंसिबल अछि ताले सब जगह रे समान फोर्स पडुछि जदि अधिक क्रम हे गला ताले स्ट्रिंग दा छिर जिवार चांसेस रहइबो स्ट्रिंग रे जे पर्यंत फोर्स कांस्टेंट अछि से पर्यंत सेटा केबे खसिबनि जदि गोटे बडे फोर्स अधिक हे गला से परु छिडी जिवो बा कटि जिवो से परु त सेति पय टेंशन जे पर्यंत हमरा डाजनस लिया जाय जे पर्यंत इनएक्सटेंसिबल अछि से पर्यंत सब जगह रे प्रत्येक पॉइंट रे समान टेंशन अपेयर करछि तो यार इक्वेशन लिखो आ बाहर करो t1 t2 केते बाहर करो फाइंड t1 t2 बहुत सहज फाइंड t1 एंड t2 कैलकुलेशन देखो देखो जाना पड़ छी t1 केते हो m1 m2 into g t2 केते m2 g बहुत सहज एले यार फ्री बॉडी डायग्राम करो m1 रो फ्री बॉडी डायग्राम करो m1 रो फ्री बॉडी डायग्राम करले तळ को आसीबो केते आसी तळ केते फोर्स अछि m1 g आ गोटे फोर्स अच्छे टी टू दीटा फोर्स अच्छे एम वन ऊपर ऊपर के ते फोर्स होची टी वन सो टी वन इक्वल्स टू ऊपर फोर्स तळ फोर्स इक्वल हो जेतु रेस्ट अच्छे सो टी वन इक्वल्स टू टी टू प्लस एम वन जी तो द सेकंड मॉडल ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम को एम टू रो तळ को फोर्स एम टू जी ऊपर को फोर्स टी टू खाली फोर्स को देखे मेरा अच्छी प्री बॉडी डायग्राम में तो टी टू सहित एम टू जी समान टी टू इक्वल्स टू एम टू जी तो टी टू रिलेटिव टू कर देने टी वन में मैं प्लस जीवो एम वन प्लस एम टू इनटू जी तो ये समान जिनस आउ थे रिपीट कर जी जदि तुम टोटल को गोटे मास नहीं जीवो गोटे मास लगे चल भावि नब सो नेट फोर्स तळ को जति फोर्स अछि सेति फोर्स ना का बैलेंस अछि टी1 द्वारा बैलेंस अछि
तो t1 इक्वल्स टू m1 प्लस n2 इनटू g डायरेक्टली लिख परबो कि मैं t बॉडी डायग्राम करके भी लिख परबो तब को दीटा वे करची तो तुम माने दीटा वे सिखित हो दरकार कॉम्प्लिकेटेड आसले सहज रे जान परबो एटा समस्त लिख लियो समान से तीनटा बॉडी तिले भी लिख परबो तीनटा बॉडी रो नीचे करबो बतान से समान जिंस को करबा बट होरिजेंटल केस रे करबा बतान होरिजेंटल को ले आसो एना ला m1 रहना m2 हला सपोज इटा हला t1 अछि त एठा t1 आ t त गोटे स्ट्रिंग अछि t अछि एपट को फोर्स सपोज f अप्लाई कर छ गोटे लोकडे ए ब्लॉक को टैग इन होछि त t केते बाहर करो एक्सीलरेशन सिस्टम रे केते बाहर करो एक्सीलरेशन t एक्सीलरेशन बहुत सहज आसी जोला एक्सीलरेशन रे हम सपोज दे दो छ इटा नै जाओ बहुत सहज हला सपोज इटा 20 न्यूटन एना ला 4 केजी एना 6 केजी कैलकुलेशन पर 4 केजी 6 केजी 20 न्यूटन एक्सीलरेशन केते टेंशन केते बहुत सहज इजीली बात करो देखो 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 जाना पड़ छी मोटा देखो देखो दे एक्सीलरेशन हबो केते 20 बाय 10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेंशन केते टेंशन हला केते बात करो बहुत सहज एक्सीलरेशन केते आसला 20 बाय 10 हला 2 तो 2 * 4 8 8 न्यूटन टेंशन इजीली देखो बात ना बहुत सहज कैलकुलेशन करिबा केमि करिबो ना टोटल लेवल सिस्टम नै जाओ तो 4 प्लस 6 टोटल मास केते 10 केजी फोर्स दिया है 20 इनटू एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन है ना 20 बाय 10 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन बाहर को सला पर बताने आर फ्री बॉडी डायग्राम करो तो यहां पर फोर्स केते पड़ जा गोटे फोर्स पड़ छी टेंशन टी सो टी इक्वल्स टू कहना ए फोर्स द्वारा स्ट्रेन फोर्स द्वारा ए बॉडी का मोशन करू छी से समान जिंस को ही हमें देखिबा कांसेप्ट को जे बुझितो इजीली कर परबो ता पर फोर्स केति पड़ छी तो मास इनटू एक्सीलरेशन टी इक्वल्स टू मास ना 4 इनटू एक्सीलरेशन 2 सो 8 न्यूटन तो एक्सीलरेशन टी का थ्रू आउट स्ट्रिंग कांस्टेंट रहबो तो 8 न्यूटन आंसर चुटकी रे सब क्वेश्चन कर परबो जेमतिया भी क्वेश्चन देले त तीनटा ब्लॉक नै जाओ सपोज सेठी मु तीनटा ब्लॉक नै समान जिंस मु तीनटा ब्लॉक रो करची नीचे कैलकुलेशन करो इजीली समझते एटा बहुत डिफिकल्ट नो आ सब इजीएस्ट हैला एटा तीनटा ब्लॉक नियो एफर्ट को फोर्स अप्लाई करची सपोज सेही समान 20 न्यूटन 20 न्यूटन होची एटा ला 3 एटा ला 2 एटा ला 5 केजी फर्स्ट स्ट्रिंग अलग हेला टी1 टी2 अलग आसीबो सपोज एटा हला टी2 एटा हला टी1 टेंशन को निजे ड्रॉ कर दो अपोजिट टू बॉडी नै जीवो टी1 त टी1 केते टी2 केते इजीली संग संग 2 मिनट रे ओटे मिनट समझ आला संग संग करो एक्सीलरेशन 3 2 5 5 10 2 2 मीटर पर सेकंड टी2 टी2 हला केते 2 थीटा 6 6 न्यूटन टी1 3 2 5 5 2 10 10 न्यूटन मुंडा को ले जे ने कितने जल एटा बहुत सारा एटा क्वेश्चन एवला क्वेश्चन परीक्षा रे जिले देखो देखो कैंस कैलकुलेशन करया था एटा सेते भी एत्ते बडो माने ये न हो जे करि परिया ने हम इजीएस्ट क्वेश्चन एटा का ते कम कैन सहज रहो निजे पॉज करी कोन थरे निजे करो जानि परियो फ्री बॉडी डायग्राम समस्त को ड्रा करे एत्ते बडा कोलोनी जानि परियो त टोटल सिस्टम को मास गोटे सिस्टम नै जा टोटल मास 3 2 5 5 10 तो टोटल फोर नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो नेट फोर्स दे है 20 नेट मास है 3 2 5 5 10 सो एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड समान ये छ बताने से t2 को देखो ये सब जगह हुई थी एक्सीलरेशन ये जाउ छथि यार एक्सीलरेशन जा यार एक्सीलरेशन से यार एक्सीलरेशन से यार तो जेतु समस्त को एक्सीलरेशन समान अछि यू कैन से तो 3 इनटू यहां पर फोर्स केते पड़ छी t2 जो केते जाउ छी तो 3 t2 इक्वल्स केते t2 इक्वल्स टू 3 इनटू एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन केते छी 2 6 न्यूटन देखलो केते सहज रे पुणे 81 दरकार ए टोटल दा गोर सिस्टम नै जाओ 3 2 5 सो t1 इक्वल्स टू 5 इनटू 2 10 न्यूटन एटा तो मो हिसाब से कर देली किंतु पिला मन को बुझिया को लेबे हम बुझिया हिसाब से करिया सब पिला तो बुझी पा नथिबे जान पा नथिबे
तो आम फ्री बॉडी डायग्राम करवा इजी कैलकुलेशन कली कॉन्सेप्ट को देखिए बर्तमान आम फ्री बॉडी डायग्राम करवा फ्री बॉडी डायग्राम कले भी सी सामान जिन आसा इक्वेशन आसटा को सल्व कर तो फास्ट या इक्वेशन लिख तो यहाँ इक्वेशन लिखा एक्सीलरेशन तो इजिली बाहर कर जेनरलाइज कह दूसरी जेनराल कौन सी मानते कहीदे सपोज एम वन एम टू एम थ्री तो या देखो एक सपोज एफ फोर्स पड़ू तुम निजे करसन कर तो एपट को एफ एपट को टी तो एफ माइनस टी वन इक्वल्स टू एम थ्री इंटू ए एक्सीलरेशन सपोज ए सिस्टम टाइम इक्वेशन लिख टी वन माइनस टी टू इक्वल्स टू एम टू ए या लिख टी टू इक्वल्स टू एम वन एपटू टी टू अच्छी तो मास इनटू एक्सीलरेशन टी टू फोर्स द्वारा जल्दी सदा मास इनटू एक्सीलरेशन कर सॉल्व करके आंसर आसो टी टू वैल्यू पुट कर टी वन वैल्यू पुट कर दिला एक्सीलरेशन वैल्यू पाई गला एक्सीलरेशन पाई सारा पर एक्सीलरेशन वैल्यू पुट कर दिले टी टू वैल्यू बाहरी पड़ो बहुत सहज मैंने आठ सहज क्वेश्चन ना एमता क्वेश्चन बहुत अच्छी कर सब यहाँ जेनराल फ्री बॉडी डायग्राम अनुसार कले जापर सल्व कले आंसर से आसो तो जेनरलाइज करके समस्ते सल्व कर क्वेश्चन को सल्व करेंगे समस्ते सल्व कर पठे व्हाट्सएप तुम सब चाला खर्च कर आउट क्वेश्चन जारा के तमे करबो एडा मास एडा ओटा मास एडा ओटा मास एडा ला 2 4 4 पूरा सिस्टम टा जाउची टी विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एडा सपोज टी 1 टी 2 टी 3 ऊपर को जाउची टाणु ऊपर को सपोज ऊपर जन टाणुची तीन टाइम मस लगाई जुलाई तो बाहर कर कौन बाहर कर टी वन टी टू टी थ्री बाहर कर फाइन टी वन टी टू टी थ्री मत कैलकुलेशन कर मुहर करदे देख के चार अच्छे ना दस दस को दस है नेट फोर्स के दस तो टी वन टाइम के हंड्रेड टी टू टाइम के हम टी टू टा हम आठ एटी ये बहुत सर तुम इजिली कैलकुलेशन करा के तुम कर यहाँ मुझे कुछ कर तुम कर निजे कर बाहर करके कर नेक्स्ट है नेक्स्ट देखा कनेक्टेड बॉडी रहा जो थी कनेक्टेड बॉडी आम देखा आउटपुट मशीन केमी बाहर फ्री बॉडी डायग्राम आम से भावी नेक्स्ट क्लास करवा तो समस्ते आज जहाँ कराला तार रिलेटेड किसी क्वेश्चन अच्छी व्हाट्सएप रे शेयर करा जीवो सेटा तमाने प्रैक्टिस करिया को चेष्टा करिवो सो थैंक यू एवरीवन।